बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन, खालिद सब्जी वाला। कराची सब्जी मंडी की डेली अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। 17 मार्च 2024 इतवार का दिन है भाई। सुबह के 6:40 हो रहे हैं और मैं फिर पहुंच चुका हूं कराची सब्जी मंडी में। वीडियो का आगाज़ करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी होने वाली है आज, बहुत यूज़फुल वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह आपके लिए, ठीक है। सब्ज़ी वगैरह काफ़ी माशाल्लाह सस्ती हो गया, हरी मिर्ची भी, हर चीज़ सस्ती हो गया। मिर्ची वगैरह पहले से बहुत ज़्यादा सस्ती है, आधे से आधे रेट आ गए हैं, बिल्कुल नीचे हो चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो आगाज़ करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें। सबसे पहले भाई मिर्ची वाले के पास ही खड़ा हूँ, तो मिर्ची के रेट मैं आपको बता दूँ। मिर्ची के रेट माशाल्लाह से काफ़ी कम हो चुके हैं, ठीक है। मिर्ची जो है ना, मोटी वाली भी 150 रुपये किलो है और मलिर वाली भी 150 रुपये किलो के हिसाब से। मिर्ची मोटी और मलिर दोनों 150 रुपये किलो है। ये वाली मोटी है, सही है, ये वाली मोटी अलग है। देखिए आप, 150 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है मिर्ची, मोटी भी मलिर भी। ये काली वाली भी 150 रुपये किलो और ये वाली तकरीबन 160-170 रुपये किलो। ये वाली दूसरी हरी वाली 160-170 रुपये किलो, ठीक है। और जर्मन मिर्ची थोड़ी महंगी है, जर्मन की भी प्राइस मैं आपको बताता हूँ। जर्मन महंगी है, जर्मन जो है ना, जर्मन मिर्ची भाई, जर्मन मिर्ची जो है ना 450 रुपये किलो है मंडी के अंदर, 450 रुपये किलो के हिसाब से जर्मन मिर्ची अभी तक भी महंगी है। दूसरी वाली मिर्ची जो है सस्ती हो चुकी है अभी, 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो काली वाली, 160 और 150 रुपये किलो तक तकरीबन मिल जाएगी मोटी वाली भी और काली वाली भी, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना है आप लोगों ने, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली दूसरे नेक्स्ट चैनल पे मेरा, जो जिस चैनल का नाम ही खाली सब्जी वाला है ना, तो उस चैनल पे कराची फ्रूट मंडी की वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। डेली अपलोड करता हूँ उस पर, कराची फ्रूट मंडी की वीडियो रोज़ाना अपलोड करता हूँ। इस चैनल पर सब्ज़ी मंडी की वीडियो आती है। दूसरे वाले चैनल है जो, उसका नाम है खाली सब्जी वाला। लिंक जो है ना, आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसको जाके सब्सक्राइब कर दें आप और फ्रूट मंडी की वीडियो देखते रहें, क्योंकि माह रमज़ान है, रमज़ान शरीफ में आपको पता है कि फ्रूट मंडी की वीडियो भी लाजमी होनी चाहिए। हाँ व्यूअर्स, आपको जो है ना धनिया में बता दूँ, धनिया 5 रुपये की गड्डी चल रही है, धनिया 5-5 रुपये की गड्डी, धनिया भी और पुदीना भी। मेथी जो है ना 100 रुपये किलो है, मेथी 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी आप। पुदीना भी, धनिया भी, दोनों 5-5 रुपये की गड्डी है, सेम है, ताज़ा है। देखें पुदीना भी 5-5 रुपये की गड्डी। ये लीमू कैसे दे रहे सेठ? लीमू 200 रुपये किलो, देसी लीमू है व्यूअर्स, ये जमेरी नहीं है, लीमू है 200 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। और ये वाला जो सामने रखा है भैया, 250, ये वाला 250 रुपये किलो, मोटा वाला लीमू है वो 250 रुपये किलो, जो छोटा है ये 200 रुपये किलो के हिसाब से। जमेरी जा गया, आगे मैं जमेरी के रेट भी पता करूंगा, अदरक लहसुन की भी रेट मालूम करूंगा, आलू प्याज टमाटर के हर चीज़ के रेट बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना है आपने। पालक के प्राइस बता दूँ व्यूअर्स, पालक जो है ना 40 रुपये किलो मिल जाएगी आपको। हरी प्याज जो है ना, हरी प्याज 200 रुपये किलो है मंडी के अंदर, 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी आपको। और मूली जो है ना, मूली 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बता रहे हैं, लेकिन 25 पूरा बंडल तुलाओगे तो आपको 5 रुपये कम हो जाएंगे, डिस्काउंट हो जाएंगे उसमें। 25 रुपये किलो हरी प्याज 200, पालक 40 रुपये किलो के हिसाब से, मेथी 100 रुपये किलो इनके पास। बंद गोभी व्यूअर्स दिखा रहा हूँ आपको, बंद गोभी जो है ना आज इसके भी प्राइस डाउन है थोड़े, 70 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। पहले कल 80 रुपये थी, आज 70 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। और आगे चल के और देखते हैं कराची सब्जी मंडी में और कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हैं। सब्जी तो माशाल्लाह सारी सस्ती हो चुकी है, तकरीबन सारी सब्जी सस्ती है। देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम, इतना रश भी नहीं है, काफ़ी लोग कमेंट्स करते रहते हैं मंडी का टाइम कौन सा है। खालिद भाई मंडी का टाइम बता दें, तो भाई सब्जी मंडी का टाइम जो है ना, आप लोग 8 बजे 8:30 9 बजे आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे ना 11 बजे आते हो ना, फिर आपको यहाँ पे रिटेलर मिलते हैं, होलसेलर नहीं मिलते, होलसेलर चले जाते हैं बेच के, फिर यहाँ पे रिटेलर आ जाता है, ठीक है। तकरीबन आपने 9 बजे तक आ जाना है, अगर घर के लिए सब्जी परचेज करनी है तो 9 बजे 9:30 बजे तक का टाइम बेस्ट है। फ्रूट मंडी के पर आपको मैं रेड उधर के सॉरी जो टाइमिंग वहाँ की भी बता दूँ, फ्रूट मंडी की, फ्रूट मंडी की टाइमिंग है भैया, आप 12 बजे 1 बजे तक फ्रूट की खरीदारी कर सकते हैं, 12 से 1 बजे तक। लेकिन सब्जी मंडी में आप 9 बजे 10 बजे तक, फ्रूट सब्जी मंडी में आप 10 बजे तक, 10 बजे से ज़्यादा लेट आएंगे तो फिर यहाँ पर आपको रिटेलर मिलेंगे, होलसेलर नहीं मिलेंगे। गोभी व्यूअर्स, गोभी भी, फूल गोभी जो है ना 80 रुपये किलो मिल जाएगा आपको। मटर, आप मटर 80 रुपये किलो, सही है। खीरा जो है ना, खीरा 60 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा, खीरा 60 वाला, 520 रुपये किलो। हल्दी वही कल वाला रेट, 150 रुपये किलो, अच्छा सेम रेट चल रही है। अदरक 470 की है चाइना वाला, और दूसरी ये देसी
430, 440 ये रेट चल रहे हैं भाई। चाइना लहसुन क्या बताया? 530 रुपए किलो, ठीक हो गया। और नींबू कैसे दर है? 150, 60। और जमेरी नहीं आपके पास? ठीक हो गया भैया। अदरक जो अपना सॉरी हल्दी 150 रुपए किलो है, सही है। और चाइना लहसुन जो है ना 530-520 रुपए किलो। ये वाली अदरक आपको 430 रुपए किलो मिल जाएगी और ये वाली अदरक आपको 460 रुपए किलो मिल जाएगी। आगे चल के देखते हैं जमेरी वगैरह का भी रेट पता करते हैं। जमेरी तो सस्ता होता है, जमेरी काफ़ी सस्ता होता है। और जो है ना ये बड़ा वाला मोटा वाला नींबू कौन सा है? ये 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो, ये और भी सस्ता है। ये चाइना है भाई, चाइना का माल है ये भाई। 100 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है भाई। ये जो है ना लोग देसी बना के बेच रहे होते हैं, ये देसी नहीं होता है, चाइना नींबू होता है, देसी नींबू ये। हाँ ये देसी है, ये प्योर देसी है, ठीक है ना। हाँ ये 200 रुपए किलो, सही है। ये वाला 200 रुपए किलो और ये वाला 100 रुपए किलो, इतना मोटा नींबू बता रहा हूँ। मैंने बताया सर जी 100 रुपए किलो, ये इनकी दुकान है भाई, दुकान आप देख सकते हैं, सही है। पहली गली में जैसे ही एंटर आएंगे ना, आ रही ब्रदर मोहम्मद इकबाल आ रही है एंड सन्स, ठीक हो गया। तो ये आपको यहाँ से अदरक लहसुन नींबू वगैरह हर चीज़ मिल सकती है। हाँ बस फूल गोभी बहुत अच्छी नज़र आई है, 80 रुपए किलो, ठीक है। तुरई वगैरह सस्ती है, तुरई जो है ना तुरई भी 50 रुपए किलो आपको मिल जाएगी तकरीबन। तुरई भी ताज़ी तुरई नज़र आ रही है। फूल गोभी होगी, ये चना किस तरह सेट? ये 200 रुपए, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो चने का रेट भैया। चना भरा हुआ आ रहा है, पहले थोड़ा खाली आ रहा था, भरा हुआ आ रहा है माशाल्लाह से। और गाजर किस तरह? 50, गाजर 50। अरबी? अरबी 200, अरबी 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो दे रहे हैं भैया, अरबी 200 रुपए किलो। पापड़ी के रेट बता दूं मैं आपको, यहाँ पे मंडी में इसको पापड़ी भी कहा जाता है। वैसे सेम फली है, चौड़ी वाली सेम फली, ये 70 रुपए किलो, ठीक है। ये बीम फली आपको 100 रुपए किलो मिल जाएगी, बीम फली। और दूसरी वाली जो है ना ये भी सेम फली है, सही। एक चौड़ी होती है, एक दूसरी होती है, ये वाली भी सेम फली, ये भी 60-70 रुपए, 80 रुपए किलो तक आपको मिल जाएगी। छोला तो काफ़ी सस्ता हो गया, छोला भी पहले से, और भरा हुआ छोला आ रहा है, पहले बहुत खाली आ रहा था, अब भरा हुआ आ रहा है फुल, ठीक है। भिंडी वगैरह भी सस्ती है, 220 रुपए किलो भिंडी, 220 रुपए किलो। भिंडी अच्छी है, ताज़ी भिंडी है और कच्ची भिंडी है, 220 रुपए किलो। मारू कद्दू के प्राइस बता दूं मैं आपको, मारू कद्दू भी 70-80 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। 80 रुपए किलो बता रहे हैं, लेकिन 70 रुपए तक ज़्यादा लेंगे तो आपको 70 रुपए किलो तक भी मिल जाएगा। हलवा वाला गाजर है भाई, 40 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा हलवा वाला गाजर, 40 रुपए किलो। बैंगन वैंगन भी है भाई के पास, बैंगन जो है ना बैंगन सस्ता है, 30-40 रुपए किलो। गोल वाला बैंगन भी है, लंबा वाला बैंगन भी आपको 40 रुपए किलो तक मिल जाएगा। लौकी जो है ना लौकी सस्ती हो चुकी है, लौकी मंडी के अंदर 30 रुपए किलो और 40 रुपए किलो। लौकी लंबी वाली लौकी लें या गोल लें, 30-40-30 रुपए किलो, क्योंकि सब्जी माँ रमजान में सब्जी कोई इतनी खाता नहीं है, ठीक है। ये टिंडा क्या अंदर है सर? टिंडा 100 रुपए किलो है, टिंडा 100 रुपए किलो भी बस। और दूसरा वाला देसी टिंडा नजर तो नहीं आ रहा, दूसरा देखेंगे कहीं। यही तो होता है भाई, ये जो है कराची की सब्जी मंडी है उनको बताया करो भाई। अच्छा ये किस तरह जमेरी? भाई जमेरी है 220 रुपए किलो, 200 की लगा देंगे, 200 की। और ये छिलावा लहसुन? छिलावा लहसुन 550 रुपए किलो, 550 रुपए किलो जी। ये देसी लहसुन क्या था? ये देसी लहसुन है भाई, छोटा क्वालिटी का छोटा लहसुन है, 350 रुपए किलो है, 350 रुपए किलो। छोटे अंदर बड़ा वाला है वो 400 रुपए किलो है, बड़ा वाला 400 रुपए किलो है, ठीक हो गया जनाब। ये अदरक? ये अदरक 460 रुपए किलो है, 460 देसी अदरक है, ठीक है। वो छिलावा क्या बताया? ये वाला छिलावा लहसुन है बड़े भाई 550 रुपए किलो, 550 रुपए किलो, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। और छिलावा लहसुन देखा, ये देसी छिलावा लहसुन है? जी जी देसी छिलावा, देसी छिलावा लहसुन। ये वाला लहसुन कैसे है? ये वाला मोटा बड़े भाई ये पाकिस्तानी लहसुन है, 400 रुपए किलो, पाकिस्तानी चाइना ही है जी। और ये ओरिजिनल चाइना है 540 रुपए किलो, ओरिजिनल चाइना जो अलग होता है वो 540 है भाई, ये वाला पाकिस्तानी है, ये 400 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक हो गया जनाब, मेहरबानी। लोका 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 किस तरह भाई? जी सर लोक 30 रुपए किलो जनाब, लोकी 30 रुपए किलो। चुकंदर बता दूं, बार चुकंदर जो है ना 100 रुपए किलो मिल जाएगा, मोटा वाला चुकंदर आपको 100 रुपए किलो मिल जाएगा। खीरा सस्ता है 50-60 रुपए, माड़ू कद्दू भी सस्ता है भाई। सब्जी जो है ना सब्जी रमजान है, सब्जी सारी सस्ती है। ये करेला क्या अंदर है सेठ? 120 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। करेला भी देखें 120 रुपए किलो, चूँकि 200 रुपए किलो बिक रहा था, अभी 120 रुपए किलो है। तो सब्जियाँ माशाल्लाह सारी सस्ती हैं, अभी रमजान है, रमजान की वजह से सब्जी सारी सस्ती। 240 रुपए किलो शिमला मिर्च भी बस 240 रुपए किलो है, शिमला भी माशाल्लाह काफ़ी नीचे आ गई, 500-600 से अब 240 रुपए किलो तक आ गया शिमला। ये वाली मिर्ची भी देखें, लंबी वाली मिर्ची है ये है, तो पकौड़े वाले तो नहीं है, दूसरी वाली मिर्ची 280 रुपए किलो, 280 रुपए किलो।
शकरकंडी भी बस बता दो मैं आपको, शकरकंडी 80 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं, 80 रुपए किलो शकरकंडी 80 रुपए। अभी आगे चल के भुट्टे के रेट भी लेता हूँ, जमेरी तो 200 रुपए किलो चल रही है लेकिन भुट्टे के रेट भी पता करता हूँ। गोल वाली लौकी भी व्यूवर्स 50 रुपए किलो मिल जाएगी आपको, गोल लौकी देखें, वीआईपी लौकी, माड़ू कुद्दू है, गोल लौकी है, करेला है, करेला भी इनके पास अच्छा वाला करेला पड़ा हुआ है, 120 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा आपको। सब्जियां माशाल्लाह सारी सस्ती हैं क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में सब्जी कोई इतनी खाता नहीं है। शलजम भी भाई 50 रुपये मिल जाएगा आपको, शलजम भी 40-50 रुपये, करेला इनके पास ख़त्म हो चुका है। और मटर वटर जो है ना, मटर भी सस्ती है, 80-90 रुपये, 80 रुपये किलो के हिसाब से। पालक इनके पास भी बस 30 रुपये किलो है, मेथी जो है ना इनके पास 60 रुपये किलो है, मेथी हल्की वाली है, पालक सही है। टमाटर जो व्यूअर्स अंदर मंडी के अंदर भी खुला 100 रुपए किलो दे रहे हैं, टमाटर जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये 100 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं। और अभी चल के मैंने फ्रूट भी लेना है, आलू प्याज टमाटर के रेट डालता हूँ, वीडियो एंड करता हूँ, बस आलू प्याज टमाटर के रेट लेता हूँ, ठीक है वीडियो फिर एंड कर दूंगा क्योंकि मैंने जाके फ्रूट्स वगैरह लेने, आज फ्रूट जो है ना सस्ते बेच रहे हैं और सस्ते लेने, सस्ते मिले ना मिले जिस रेट पर मिलेंगे उसी रेट पर फ्रूट सेल कर देने मैंने, ठीक है। तो इस काम में आप भी मेरा साथ दे सकते हैं और मेरे जेस कैश अकाउंट नंबर भी सामने आ जाएगा इंशाल्लाह स्क्रीन पर, या पहले कहीं पे आया होगा नज़र आपको, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना सही है इस काम में, रेट टू रेट माल लेके यानी कि फ्रूट जो है ना आवाम को खिलाना है। रमज़ान शरीफ का महीना है, माह रमज़ान में सवाब कमाएं, पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन अभी सवाब भी कमाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोगों ने भरपूर साथ देना है मेरा, तो चलते हैं आलू प्याज वगैरह के रेट डालता हूँ फिर वीडियो में एंड कर दूँगा। आलू प्याज टमाटर 180 रुपये किलो है, विवर्जी वाली प्याज है जो है 180 रुपये किलो, पाकिस्तानी प्याज है अपनी, ठीक है 180 रुपये किलो दे रहे हैं ठेले पे रख के भाई। और दूसरे भी बैठे हुए ना प्याज माशाखोर वाले, आलू प्याज के रेट उनसे भी मैं लूँगा, टमाटर के रेट पहले ले लूँ, टमाटर जो है ना टमाटर भी रह गया था। टमाटर भी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली पेटी जो रखी है 400-400 रुपये की पेटी दे रहे हैं, ठीक है 400 रुपये की पेटी, ये वज़न इसका टमाटर का तकरीबन वज़न इसमें 12 किलो टमाटर होगा, सही है 40 पेटी की लाट है और 400 रुपये की पेटी बताइए भाई ने, टमाटर सही है 400-400 रुपये का, जो अच्छा वाला टमाटर इससे भी अच्छा वाला लोगे तो आपको 600-700 रुपये का मिलेगा, ये थोड़ा सा 19-20 है 400 रुपये का मिलेगा। दो लाटें रखे हैं भाई के पास, एक ये 30 पेटी की लाट और एक वो 40 पेटी की लाट है, ठीक है 400-400 रुपये बोल रहे हैं, 400 रुपये में भी बंदे मतलब नहीं ले रहे हैं टमाटर, ये टमाटर लिया है किसी ने पता नहीं, ये वाला टमाटर जो है ना आपको 600-650 रुपये की पेटी मिल जाएगी। और टमाटर भी माशाल्लाह काफ़ी नीचे आ चुका है, 60 पेटी की लाट है, ये देखो पर लाट लिखा है लाट नंबर 60। तो आलू प्याज के रेट डालता हूँ फिर वीडियो एंड कर देता हूँ मैं, ठीक है आलू प्याज के रेट लेता हूँ, ये माशाखोरों के रेट बताऊँगा मैं आपको, इससे आढ़त से लेंगे तो आढ़त में आपको कम मिल सकते हैं टमाटर, आलू प्याज वगैरह भी सही है। टमाटर सस्ता हो गया भाई, टमाटर माशाल्लाह काफ़ी टमाटर आया हुआ, टमाटर सस्ता है भैया 800-700-800। वीआईपी टमाटर, वीआईपी लश पश टमाटर, ठीक है। और आलू प्याज के रेट लेता हूँ भाई से सामने, आलू प्याज विवर्जी है, छोटी वाली प्याज है आपको 160 रुपये किलो मिल जाएगी, ठीक है। बड़ी वाली प्याज ये भी छोटी है, दरमियानी प्याज है, ठीक है, ये वाली भी छोटी प्याज है दरमियानी, बड़ी वाली प्याज जो आपको 180 रुपये मिल जाएगी। और वाइट वाला आलू जो है ना, वाइट वाला आलू आपको 45 रुपये किलो मिल जाएगा, 50 बताता है 45 तक तकरीबन मिल जाएगा। प्याज के रेट मैंने आपको बता दिए, प्याज आगे दिखाता हूँ, बड़ी वाली प्याज भी रखी है, सही है, ये प्याज उनके पास छोटी थी, छोटी वाली प्याज जो है ना थोड़ी सस्ती होती है। ये वाला 170 रुपये का है, प्याज के मैंने आपको बताया खुले और आलू प्याज के जो है ना, लाल वाला आलू जो है ना 60 रुपये दे रहे हैं, ठीक है लाल वाला आलू, व्हाइट वाला आलू 45 रुपये किलो, ये वाला लगा लंबा वाला आलू भी 50-45-50 रुपये किलो मिल जाएगा आपको। और प्याज 180-190-180 इतना तक चल रही है खुली प्याज, ये माशाखोरों का रेट बता रहा हूँ, अगर बोरी लोगे बंद बोरी में आपको और भी कम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कम मिल जाएगा, तकरीबन मन के ऊपर 1000 रुपये का फ़र्क आ जाता है मन पे, सही है प्याज हो या आलू, नहीं प्याज में सॉरी आलू में तो 200-300 रुपये मन पे फ़र्क आ जाएगा लेकिन प्याज में ज़्यादा फ़र्क आएगा। बस वीडियो यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों में रहें खुश रहें आबाद रहें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। खालिद सब्जी वाले को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।